दोस्तों, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि अगर आपको सीएसपी बीसी पॉइंट लेना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ, जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपका एक शॉप है तो आसानी से दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी बीसी पॉइंट मिल जाएगा। फिर आसानी से आप आधार का काम ले सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अच्छा खासा मंथली का कमाई कर सकते हैं। समझ रहे हो, महीने का अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि अगर आपके पास किसी प्रकार का शॉप है तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं बैंकिंग सुविधा केंद्र में, उसके बाद आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है बिकम एन आईपीपीबी बिजनेस करेस्पोंडेंट टुडे। तो अगर आपको दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी चाहिए ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक के थ्रू दोस्तों आपको अप्लाई करना है और आज के समय में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सबको बीसी प्रोवाइड कर रहा है। तो कैसे आप अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीका बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ऑनलाइन करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल पेज है उसे ओपन कर लेना है। सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहां पर नॉन आईपीबीबी कस्टमर के ऊपर क्लिक करना है और नीचे दोस्तों पार्टनरशिप विद अस का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म पार्टनरशिप विद अस वाला, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल बीसी, ये जो पहला ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो फॉर्म दिया है इसे फिलअप करना है। नेम के आगे का आप टाइटल यहाँ पर लगा लीजिए, जो भी लगाते हैं। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भी दे देना है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट एड्रेस है, फर्स्ट लाइन का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है, सेकेंड लाइन का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये सब डालने के बाद दोस्तों आपको आपके एड्रेस का जो पिन कोड है वो यहाँ पर एंटर करना है। पिन कोड डालने के बाद नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है। तो एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके नज़दीक में जो पोस्ट ऑफिस होंगे वो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। ये सेलेक्ट करते ही दोस्तों नीचे के जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब होने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, आप किस लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बोल दीजिए कि मेरे पास एक शॉप है, मैं चाहता हूँ उसे बैंकिंग सुविधा केंद्र में अपग्रेड करना। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सब कुछ होने के बाद दोस्तों आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और ये जो कैप्चा है ये दोस्तों आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इसे सबमिट करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर सबमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबमिट हो गया है। अब आपको दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा एक एजेंट संपर्क करेगा, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वह बताएगा एंड आसानी से दोस्तों वह आपको जो बीसी पॉइंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वह दिला देगा। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई आपको संपर्क नहीं करता, कोई भी कनेक्ट नहीं करता, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों आप चाहें तो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है बीसी। जैसे आप बीसी लिखकर सर्च करते हैं आपको यहाँ पर कई ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे कई ऑप्शन खुलकर आएंगे, तो यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने दोस्तों एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा इस प्रकार से। अब इस फॉर्म को दोस्तों आपको प्रिंट आउट करा लेना है, ये बीसी का एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इससे आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म को पूरा का पूरा फिलअप करना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो भी लगाना है एंड जो जो पर्सनल डिटेल है अपने शॉप की, आपका आधार नंबर एंड हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। सब कुछ होने के बाद आपको इसका एक फोटो क्लिक कर लेना है, ठीक है। फोटो क्लिक करने के बाद जहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड किया उसके नीचे एक और लिंक दिया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी ब्रांचेस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं
यहाँ पर आप देख लीजिए स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके स्टेट के सभी जितने ब्रांचेस हैं वो आपके सामने शो होने लग जाएंगे, पूरा एड्रेस भी दिखाई देगा और जो ब्रांच का हेड है उसका नाम भी यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, जो आपने फॉर्म भरा है उसे दोस्तों आपको सेंड करना है इनको, जिस भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप चाहते हैं बीसी पॉइंट लेना उसका आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है। तो इस ईमेल आईडी पर दोस्तों आपको जो है वो फॉर्म को भेज देना है। जैसे आप उस फॉर्म को भेज देंगे ना उसके बाद दोस्तों आपको सामने से कनेक्ट किया जाएगा, आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा प्रोसेस कैसे आपको आगे का क्या करना है और आसानी से दोस्तों यह आपको बीसी पॉइंट दिला देंगे। तो ये दो तरीका है दोस्तों जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने खुद बताया है कि अगर आप इससे अप्लाई करते हैं तो आसानी से दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट मिल जाएगा, जिसके बाद आप अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं, आधार का भी काम ले सकते हैं और भी अन्य सर्विसेज का आप लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।